अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो अगर हम सिंपल सिस्टम पढ़ते हैं कोई सा भी, तो हम क्या कहते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है। किस तरह से, लेट सपोज़ अगर हम वाटरफॉल की भी बात करते हैं कि पानी जो है वो ऊपर से गिर रहा है, तो क्या होता है कि हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो नीचे आ जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम। इन बिटवीन दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं, बट कुछ कुछ पोर्शन में। बट ओवरऑल अगर आप पूरे सिस्टम की एनर्जी को मेजर करते हैं तो वो सेम रहती है, चाहे वो आप इस पॉइंट पे देखें या चाहे इस पॉइंट पे देखें। ये तो हमने एक सिंपल वाटर के मोशन की बात की, जो ऊपर से बहना शुरू हुआ और नीचे आके और किसी और डायरेक्शन में बहना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है कि बॉडी जो है अपने मेन पॉइंट के अराउंड ही मूव करती है। तो उस केस में भी जो हमारा एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी सेम रहती है। किस तरह से कि अगर हम लोग एक सिस्टम ले लेते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम में एक स्प्रिंग है जिसको अटैच किया हुआ है मास के साथ, एंड देन क्या हुआ कि इसको स्ट्रेच किया गया, इसको स्ट्रेच करके थोड़ा आगे ले जाया गया, यहाँ तक लेट सपोज। सो अब ये क्या हो चुके, स्प्रिंग ने जब स्ट्रेच किया तो मैस इधर तक आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ कि अगेन ये अपने मेन पॉइंट से गुजरा, यहाँ से पास आउट हुआ और पीछे की तरफ आ गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इस पूरी मोशन में हम अगर देखें तो क्या हो रहा है कि बॉडी यहाँ पे थी, इस तरह मूव किया, देन यूं गई एंड फिर इस तरह से ये मूव करती रहेगी। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये अपवर्ड, ये फिर डाउनवर्ड, ठीक है, यहाँ तक डाउनवर्ड और बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ से और नीचे यहाँ तक एंड देन ये इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक कर्व बन रहा है जिसको हमने रिलेट किया था सर्कुलर मोशन के साथ, और ये आइडिया हो रहा था कि जो सर्कुलर मोशन है और जब हम उसको रिलेट करते हैं इस तरह के कर्व के साथ, तो हमें पता चलता है कि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब इस पूरे आर्टिकल से हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है, लेट सपोज इस पॉइंट पे हमें पीक मैक्सिमम नज़र आ रही है, तो इस पॉइंट पे अगर हम वाटरफॉल की तरह एग्जांपल में देखें तो यहाँ पीक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ काइनेटिक थी, तो हम ये क्या ले लें, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है कि एनर्जीज जो है वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, जो कन्वर्ट होती जा रही हैं, कि समटाइम काइनेटिक है तो वो चेंज होकर पोटेंशियल में जा रही है उसी एक सिस्टम के अंदर अंदर, देन पोटेंशियल थी तो काइनेटिक में चली गई, काइनेटिक थी तो देन पोटेंशियल में चली गई। तो इस तरह जो एनर्जीज हैं वो एक दूसरे में चेंज होती जा रही हैं, और इस चेंज के प्रोसेस में अगर ओवरऑल इसकी निकाली जाए कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी, जस्ट टोटल एनर्जी जो है वो सेम होगी। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कुछ और वैल्यू शो करेगी, पोटेंशियल कुछ और वैल्यू शो करेगी, लेकिन टोटल जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो सेम रहेगी। और यही बात हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी अगर एनर्जीज को देखें तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट तो करती हैं, बट टोटल एनर्जी जो है वो ऑलवेज रिमेन सेम। अब उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किस तरह से लिख सकते हैं कि लेट सपोज अभी जिस तरह हमने ये डायग्राम बनाई हुई थी मास स्प्रिंग सिस्टम की, जब बॉडी, इसको अगेन बना लेते हैं, बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया हुआ और हमने क्या किया, देन उसको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने के बाद ये यहाँ पे चलेगी, यानी इसने अब इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो हमने इसको एक्स नॉट का नाम दे दिया। अब जो फोर्स हमने लगाई है, पहले क्या था कि डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ, इट मींस यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। देन क्या हुआ कि बॉडी ने जब मूव करना शुरू किया, इट मींस उसके अंदर क्या मौजूद है, अब उसको कोई ना कोई उसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो आ चुकी है। अब अगर हम इसको के नॉट एक्स ले रहे हैं,
कि ये हमारे पास फोर्स आई है जो जिसने इसको स्ट्रेच किया. अभी ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, ये वो फोर्स है जिससे स्ट्रेच किया गया है, एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं शो हो रहा. अब जो हमारे पास एक फोर्स की एवरेज आएगी वो किस तरह से आएगी कि पहले ज़ीरो थी, देन उसके ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई की और एवरेज निकालने के लिए टू से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा हाफ के एक्स नॉट. अब बेसिकली हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे वर्क डन करवाया किस तरह से कि कुछ फोर्स लगाई और बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, इट मीन्स यहाँ पे वर्क डन हुआ. वर्क डन क्या कहता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हमारे केस में है एक्स नॉट और फोर्स एवरेज निकाल के लिखेंगे यहाँ पे एक्स नॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट. और बेसिकली ये जो हमारे पास वर्क डन है वो ही क्या शो कर रहे होते हैं कि वो समटाइम काइनेटिक एनर्जी होता है, समटाइम पोटेंशियल एनर्जी. और इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रहा है तो ये जो वर्क डन है ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. ठीक है, सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम, जब जो मैस है वो अपने मैक्सिमम या पीक पॉइंट पे होगा, यानी कि उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट कवर किया होगा. सो ये तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन. अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर है. जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में अगर मैस स्प्रिंग सिस्टम को हम ले रहे हैं तो उसके लिए वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर. सो हमारे जो MDCAT का कोर्स है उसके अंदर ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है उसका पूरा आर्टिकल कंसिडर नहीं किया गया, बट इस आर्टिकल में चूंकि हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है सो ये वेलोसिटी के एक्सप्रेशन का MCQ जो है वो पूछा जा सकता है कि अगर आप मैस स्प्रिंग सिस्टम ले रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो उसकी वेलोसिटी का जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या होगा. सो ये हमारे पास उसका एक्सप्रेशन है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, चूंकि यहाँ पे v हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे v स्क्वायर है सो इसको v स्क्वायर बनाने के लिए अगर स्क्वायर ले लेंगे इस पूरे का तो क्या बनेगा हमारे पास कि x नॉट का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इसको सॉरी स्क्वायर जो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो ये बन जाएगा k ओवर m 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर. सो हमारे पास ये जो है वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा. इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को अगर हम ऊपर पुट कर दें काइनेटिक एनर्जी में तो हमारे पास ये बन रही है इस टाइम हाफ एम वी एक्स नॉट स्क्वायर के ओवर एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर नॉट. सो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ चुका है. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर इंटू के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर. अब अगर हम देखें कि हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो दोनों के एक्सप्रेशन को अगर हम एडअप कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी. अब अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास थी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. अगर हम किसी इंस्टेंट पे इस एक्स नॉट को एक्स कंसीडर कर लें सो इट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर. ये हमारी अपनी विल है कि हम इस पॉइंट को एक्स नॉट कंसीडर करें या इसको एक्स कंसीडर करें. सो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर पे. अब इससे क्या होगा कि हम जब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि हम एक्स को ही एक पॉइंट कंसीडर करें. दोनों को ऐड अप करें तो हमारे पास बनेगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दें के ओवर एम को अंदर वाली टर्म के साथ. सो ये इस तरह से आ जाएगी हमारे पास एंड देन आएगा हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के बाय एम एंड x square over x not square. So m m से कैंसिल हो जाएगा x not square से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे m m से कैंसिल हो जाएगा एंड देन हमारे पास आ जाएगा k x square plus half
kx naught square minus half kx square. So ye dono agar hamare paas cancel honge to ye aa jayega half kx naught square, which is the total energy. अगर हम पहले देखें पोटेंशियल एनर्जी भी इसी के इक्वल थी, ठीक है, दैट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. अगर हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये बचता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. सो इससे क्या पता चल रहा है कि चाहे आप काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर करें, चाहे आप पोटेंशियल को कंसिडर करें एट एनी इंस्टेंट या एट एनी पॉइंट, तो हमारे पास उनकी एक सेपरेट वैल्यू तो आ रही होती है, लेकिन जब हम उन्हें ऐड करते हैं टोटल एनर्जी निकालने के लिए, तब भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है जो कि सिमिलर टू जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ही होता है, विच इज़ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. सो टोटल एनर्जी रिमेन द सेम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब इनको अगर हम देखें तो ये यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जिस तरह हमने पहले कर्व ड्रॉ किया था इस तरह से, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है एट ज़ीरो पॉइंट, या जब अभी मैस स्प्रिंग के ऊपर जो मैस अटैच है, स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, तब काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है. सो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और पीक पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई. इससे क्या पता चला कि अगर टोटल एनर्जी निकालनी है और लेट सपोज हम इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, तो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, विच इज़ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. सो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. इसी तरह से अगर इस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं टोटल एनर्जी, तो वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ज़ीरो, टोटल एनर्जी अगेन हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. और एट एनी इंस्टेंट जहाँ पे पोटेंशियल भी मौजूद है और काइनेटिक भी मौजूद है, जो अभी एक्सप्रेशन निकाला है, तो वो भी किसके इक्वल आएगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के. सो इसमें जो तीन एमसीक्यूज बनते हैं वो ये के मेन पॉइंट पे, या जब x इक्वल्स टू ज़ीरो है, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ, तो कौन सी एनर्जी मौजूद है, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी. एंड काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के. सेकेंड हमारा एमसीक्यूज है कि मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट कवर हो चुका है उस टाइम पे कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. और अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस भी डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एनर्जीज कंजर्व्ड रहेंगी और टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही आएगी. सो ये था हमारा आर्टिकल.